अस्पताल में बीमार पेशेंट ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन इसी अस्पताल की एक गलती के कारण एक पेशेंट की दर्दनाक मौत हुई। मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लग गई, जिसके कारण उसका पूरा शरीर जल गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज न्यू हॉस्पिटल में हुई है। 23 साल का वैभव शर्मा टीवी से जूझ रहा था, उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। वैभव को ट्रीटमेंट के दौरान कार्डियो शॉक दिया जा रहा था और इसके बाद उसके ऑक्सीजन मास्क में आग लग गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई। मास्क वैभव की गर्दन पर चिपक गया। इस घटना के बाद हॉस्पिटल का सारा स्टाफ वैभव की दिशा में भागने लगा, पर उसकी जान नहीं बच पाई। फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या हुआ इसकी जांच कर रही है।